जब मैं अपने हाथ को एक प्लेन के अंदर मूव करता हूं तो जो एंगल ये कवर करता है उसे हम लोग प्लेन एंगल के नाम से जानते हैं। ये वही एंगल है जो कि एक पिज्जा की स्लाइस जो कि एक सेक्टर की शेप की होती है सेंटर पे सबटेंड करती है। इसी तरीके से अगर मैं अपने हाथ को 3 डायमेंशंस में मूव करता हूं तो उस केस में मेरा हाथ जो एंगल कवर करता है उसी को हम लोग सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। ये वही एंगल है जो तब फॉर्म होता है जब एक तरबूज में से कोनिकल स्लाइस बाहर निकाली जाती है। ये कोन सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है उसी को हम लोग सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं।